नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस 19168 के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा शुक्रवार देर रात 2:35 बजे कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ। ये ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, हालांकि कुछ यात्रियों को मामूली चोट आई है। फिलहाल रेलवे की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी वस्तु से टकरा गया है, जिसके कारण ये हादसा हुआ। इंजन पर टक्कर के निशान देखने को मिले हैं और सबूतों को सुरक्षित रखा गया है। इस घटना की जांच आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है।